हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके बच्चों के लिए उनके सिर में जो जुएं हो जाती हैं उनको भगाने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय लाए हैं, कुछ घर आसान से घरेलू नुस्खे लाए हैं जिनको अपनाकर आप अपने बच्चे के अगर सिर में जुएं हो गई हैं तो उससे उसको निजात दिला सकते हैं। वैसे तो जुओं से निजात पाने के लिए बाज़ार में आपको कई तरह की दवाइयाँ या शैम्पूज मिल जाएंगे, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और ये कई बार असर भी नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज हम आपको कुछ घरेलू तरीके बताएंगे जो आप घर में मिलने वाली चीज़ों को ही अपनाकर अपने बच्चे के सिर से उसको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे इस चैनल की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो पहले इससे जानते हैं कि जुएं के होने का कारण क्या है, जुएं कैसे क्या होती हैं और ये हमारे शरीर में किस तरह से फैल जाती हैं। बालों में जुए होना बच्चों के लिए एक आम समस्या है और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है। वैसे तो जुए हर मौसम में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यह ज़्यादातर गर्मी के मौसम में और बारिश या बरसात के मौसम में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उस समय हमारे सिर में गंदे पानी की मात्रा अधिक जमा होती है। यह आप पसीने के कारण मान लीजिए या फिर बारिश का जो गंदा पानी होता है उससे हमारा सिर अगर भीग जाता है तो भी जुए होने का खतरा बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाल गीले रह जाते हैं काफ़ी देर तक, वह सूख नहीं पाते, इसलिए उसमें जुएं पनपना शुरू हो जाती हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, लेकिन एक बार जुएं होने के बाद उनसे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इनको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि देखने में बहुत बारीक होती हैं। और साथ ही जो जुएं होती है वह एक महीने में 50 से 100 अंडे तक दे सकती है, और ये जो अंडे हैं ये हमारे सिर में रहकर ही देती हैं और ये अंडे 10 दिन के अंदर ही एक नई जू का रूप ले लेते हैं। जो अंडे होते हैं जू के, उसको हम आम भाषा में लीक भी कहते हैं, इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है जुओं के साथ साथ, नहीं तो हमारे सिर से जुएं पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान से उपाय लाए हैं जिनको आप अपने बच्चों के सिर पर आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आप अपने बच्चे को यह लगा सकते हैं और उसको एक दो बार के इस्तेमाल से ही जुओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इस उपायों के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, एक बात का आप खास ख्याल रखें, किसी व्यक्ति के आपके घर में सर में जुएं हैं तो उस व्यक्ति की कंघी को और उसके जो टॉवल है उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर अपने बच्चे के लिए तो खासकर इससे भी उसको जुएं पड़ सकती हैं, या अगर वह स्कूल जाता है और उसके क्लासमेट के या उसके जो साथ सीट पार्टनर है उसके सिर में जुएं हो गई हैं, तो आप उसको हिदायत दीजिए कि जब तक उसको इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल जाता बच्चा उससे दूर ही रहे, क्योंकि जुएं बहुत आसानी से उसके सिर में फैल सकती है। तो अगर इसकी समस्या आपके बच्चे को हो गई है तो आइए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। इसमें सबसे पहले है नीम का तेल। नीम एक तरह की आयुर्वेदिक औषधि है जिसका हम स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, सदियों से इसका यूज़ करते आ रहे हैं, और ये जुओं को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल ऐसे गुण होते हैं जो जुओं को मारने का काम करते हैं। अगर आप इसके और भी अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप नीम के तेल में तुलसी के पत्तों को पीस कर उसके साथ इसको अपने बच्चे के सिर में लगाएँ। इसमें सोने पर सुहागे की तरह ये काम करेगा। इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आपको अपने बच्चे के बालों में लगा कर रखना है, उसके बाद पानी से आप इसको धो देंगे। और उसके बाद जो जुओं वाली कंघी होती है जो काफ़ी बारीक जिसके दांत होते हैं उससे आप कंघी करेंगे तो उसके सिर से आपको काफ़ी जुएं मिल जाएंगे। इसके बाद है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली जो हम अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं अपने होंठों के लिए, आमतौर पर सर्दियों में जब होंठ फट जाते हैं, यह जो स्किन को है मॉइस्चर देने का काम करती है। यह पेट्रोलियम जेली में ऐसे गुण होते हैं जो जुओं को भी ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके लिए आपको रात को अपने बच्चे के सिर में पेट्रोलियम जेली को लगा कर रखना होगा और तो सुबह जब सिर धोना हो उससे पहले आप जुओं वाली किसी कंघी से अच्छी तरह से बालों में से जुएं निकालेंगे तो आपको काफ़ी जुएं मरी हुई मिल जाएंगी। इसका आप 2-3 बार रेगुलर यूज़ करेंगे तो जुएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आप सिर को धो लीजिए। जो सीताफल होता है या पेठा भी इसको कहते हैं, कद्दू भी इसको कहते हैं, उसके जो बीज होते हैं
उनका उपयोग भी आप जुओं को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। इनका खाने में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसका अगर आप पेस्ट बनाकर अपने इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर बच्चे के सिर में बच्चों के बालों में लगाएंगे तो उससे भी उसके सिर के जो जुए हैं वह मर जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए सूखने दें, इसके बाद बालों को धो लें, बालों से जुए खत्म हो जाएंगे। विनेगर या सिरका भी आप इस समस्या के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसका भी आप इस्तेमाल सिर से जुओं को समाप्त करने में किया जा सकता है, क्योंकि सिरके में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो जुओं को मारने का काम करते हैं। इसके लिए आप एक रुई की मदद से सिरके को अपने पूरे बच्चे के स्कैल्प पर यानी कि खोपड़ी पर लगा दीजिए और रात भर आपको इसको लगे रहना है। लेकिन सिरके अगर लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से किसी कपड़े या कैप से उसको ढक दीजिए, तभी जो सिरका है वह अच्छे से काम कर पाएगा। सुबह आप किसी शैम्पू की मदद से अच्छे से बाल बच्चे के बालों को धो देंगे तो उसके सिर से काफ़ी हद तक जुएं ख़त्म हो जाएंगी, उसको जुओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, प्याज का रस होता है वह भी जुओं को मारने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होता है, इससे जुओं का दम घुट जाता है। इसके लिए प्याज का रस निकालकर सिर्फ 10 मिनट तक आप अपने बच्चे के बालों में लगाए रखें। आप अगर इसके बाद कंघी करेंगे तो देखेंगे कि ये जुएं काफ़ी हद तक मर चुके हैं। इसके साथ ही मूली का रस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी जुओं को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो। तो फ्रेंड्स, यह कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने जो भी उपाय बताए हैं वह बहुत ही आसान है, आपको इसको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ यह असर भी ज़रूर करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, इनके आपके बच्चे के बालों पर उसकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और आपका बच्चा इसे तंग भी नहीं होगा। आप इसको अगर आपके बच्चे के सिर में जुएं हो गई हैं तो इनका इस्तेमाल अपने बच्चे के सिर से जुएं भगाने के लिए ज़रूर कीजिए। बस इस बात का ध्यान दीजिए, बच्चे के सिर में जुएं हो गई हैं वह इससे परेशान है तो उसको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा, और जल्द से जल्द इस समस्या से उसको छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है जिससे बच्चे इरिटेट होते हैं और साथ ही साथ उनको बाहर जाके शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यह थे कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू तरीके जिनको आप भी आजमा कर ज़रूर देखिए। बच्चों के लिए नहीं, यह बड़ों के लिए भी उतने ही कारगर है। आप भी अगर आपको इस समस्या से छुटकारा पाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप कोई समस्या है तो हमसे वह पूछ लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।